नए नए ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपलोड का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलता रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ये मेरे पास आज किताब है एक, और मैं आपको इससे एक शानदार मैजिकल ट्रिक्स दिखलाऊंगा और फिर सिखलाऊंगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार मैजिकल ट्रिक्स। देख दोस्तों, आप देख लीजिए पहले किताब के पन्नों को अच्छी तरह से। ये एक किताब है, ठीक है दोस्तों। एक बार और मैं आपको दिखला देता हूँ किताब के पन्नों को पलट करके। ये एक किताब है, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ जादू करूंगा जिससे ये कॉपी में तब्दील हो जाएगा और सारे किताब के पन्ने व्हाइट कलर के कॉपी में तब्दील हो जाएंगे। तो अभी मैं इसमें कुछ जादू करता हूँ। तो इसमें मैंने जादू कर दिया है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, मैं अभी इसके पन्ने पलट रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सारे पन्ने व्हाइट कलर के पन्ने में तब्दील हो गया है। एक बार और मैं करके दिखला देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, सारे पेज व्हाइट हो गया है। चलिए मैं फिर से एक बार इसको किताब बना देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये किताब फिर से बन गया। और अब मैं एक बार और आपको कॉपी बना करके दिखलाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ इसमें जादू किया और ये कॉपी बन गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये मैजिकल ट्रिक्स? मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये ट्रिक मैंने किस तरह से किया। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करनी क्या है, इस तरह से एक किताब लेनी है और एक कॉपी लेनी है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, पहले के दो पेज किताब का पेज रखा है मैंने, और उसके बीच में दो पन्ने कॉपी का डाल दिया है। फिर से दो पेज किताब का है, फिर से दो पेज कॉपी का है, और इस तरह से ये क्रम चलता गया है। अब मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने कट, एक कट यहाँ पे दिया है और एक कट यहाँ पे दिया है। किस तरह से दिया है, तो फर्स्ट दो पन्नों पे मैंने कट नहीं दिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कॉपी पे यहाँ पे कट होगा दोनों पन्ने पे, ठीक है। और उसके साथ एक किताब पे भी कट दिया हुआ है, उसके बाद वाला किताब का जो पन्ना है इस पे मैंने कट नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर से दोनों कॉपी के पन्ने को यहाँ से कट दिया है और एक किताब के पन्ने को भी कट दिया है, इसके बाद वाला पन्ना कट नहीं है। इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी किताब और कॉपी के बीच में चलता रहेगा। और यहाँ पे नीचे वाले कट मैंने किस तरह से दिया ये बता देता हूँ। पहला वाला कट मैंने ऊपर में नहीं दिया था, पहला तो दूसरा वाला कट दोनों पन्ने पर मैंने नीचे में दिया, ठीक है। और एक पन्ना यहाँ पे कट दिया कॉपी वाले पन्ने पर, ठीक है। सेकेंड वाला पन्ना, ठीक है, सेकेंड वाला पन्ना पे सिर्फ यहाँ पे कट है, इस पे कट नहीं है। अब आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए, ये भी अब क्या है कि दोनों किताब के दो पन्ने हैं, यहाँ पे मैंने कट दिया है और इसके साथ में एक यहाँ पे कॉपी वाले पन्ने पर कट दिया है, और इस कॉपी वाले पन्ने को इसी तरह से छोड़ दिया है। फिर से देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों किताब के पन्ने पर कट दिया है, सेकेंड कट है, और इसके साथ एक कॉपी वाले पन्ने पर भी कट दिया है, और यहाँ पे मैंने कट नहीं दिया है। तो इस प्रक्रिया को पूरी किताब में किया है, और जब मैं यहाँ पर से पकड़ता हूँ इस तरह से, तो ये किताब की तरह नजर आता है, और उसके बाद जब मैं यहाँ से इसको पलटता हूँ तो ये कॉपी बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।